गाइज वेलकम टू जिंदगी एक सफ़र बाय आयुषी एंड अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 7:30 और हम लोग काफ़ी जल्दी में हैं क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं मेरे हम लोग कुछ प्रिपेरेशन कर रहे हैं 15 अगस्त की। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। देखिए गाइज ये मम्मा की ड्रेस एंड हम के आउटफिट रेडी हो रहे हैं, जल्दी हम आपको दिखेंगे अपने न्यू लुक में। आज भारत के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंडिपेंडेंस डे का लुक में आया जाए गाइस। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हर घर तिरंगे का, तो वो देख के काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम भी एक भारतीय हैं। एंड मैं देख सकती हूँ जितने भी घर हैं पूरे देहरादून में, जितने भी घर हैं सब में तिरंगा लहरा रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं मोदी जी की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। गाइस हम सोच रहे हैं कि ना आज के दिन कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी जाए, कहीं नई नई जगह जाई जाए और आप हमारे साथ बने रहिए व्लॉग में। बहुत सी एंटरटेनमेंट सी चीज़ें भी आप देखेंगे इसमें, सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइज ये है मेरी ज़िंदगी एक सफ़र को सफल बनाने में जो बैक हैंड टीम है, इसका मेन योगदान है जो वो मेरे भाई अनूप का है। हाय गाइज, जो कि आप देख सकते हैं इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए चैनल के लिए, और इन्हीं के योगदान से ज़िंदगी एक सफ़र स्टार्ट हुआ है। थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं अभी मैं तब मक्खन इसलिए लगा रही हूँ अनूप को क्योंकि उसको हमको लेके जाना है, हमें व्लॉग के लिए कहीं कंटेंट चाहिए, हमें कहीं जाना है, तो इसीलिए मक्खन लगाया जा रहा है। नहीं गाइस हम इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की, हमें कहाँ जाना है चाहिए, उसको बहुत बिजी स्केड्यूल है आज का, बट फिर भी वो कह रहा है थोड़ा टाइम निकाल के हमें कहीं लेके जाएगा। देखिए गाइस, देखिए कितने एनर्जेटिक लोग हैं हमारे साथ, कितने शर्मीले लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हमारी टीम में, तो प्लीज़ बने रहिए ऐसी हमारे साथ, जल्दी आपको लेके चलते हैं एक नई जगह। गाइज एक ये हमारा कैरेक्टर रानी लक्ष्मी बाई नाराज़ हो रही है कि सपोर्ट टीम में इनका नाम नहीं लिया गया, तो आई एम सो सॉरी। ये हमारा मेन किरदार है यहाँ पे, मेन हमारे साथ जो हमें हमारे मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल है जो हमारा ज़िंदगी एक सफ़र, उसमें सबसे अच्छा सपोर्ट मेरे को जो करती हैं वो हैं मिस अहाना जियाल। देख सकते हैं गाइज आप, ये मेरी नौटंकी है, मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उनको बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अनूप भैया का नाम, क्योंकि वो टफ कंपटीशन में रहती है भैया के साथ, भैया का नाम कैसे ले लिया और मैंने इनका नाम कैसे नहीं लिया। गाइज एक और मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है अहाना के पापा, जिनका काम है जो कि सपोर्ट सिस्टम के सबसे बड़े हेड है, उनका सिर्फ एक फोकस है, एक काम हमने उनको सौंप रखा है और वो है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का, तो वो शॉप में बैठ के यही काम कर रहे हैं, उनका मेन फोकस है सब्सक्राइबर्स पे। तो जितने भी आप व्लॉग में सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं चैनल में जो बड़े हुए हैं, उनका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ अहाना के पापा को। तो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं अब FRI जो कि है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखते हैं अगर वहाँ पर अलाउड होगा, परमिशन होगी तो हम लोग अंदर जाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं मेरी टेक टीम कार ले आई है और अब हम बैठने वाले हैं कार के अंदर। गाइस हम लोग रास्ते में थे, हमने रिस्पनापुर क्रॉस किया था और हमारे साथ हमारा जो एक टैंक का बंदा है पीछे कोमल बैठी है उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है। गाइस हमारे जो है संवाददाता अनूप कुछ बोल रहे हैं। अनूप आपको उल्टी होती थी पहले? जब मैं गाड़ी में बैठता था तो मेरा भी सीधा मूड बन जाता था उल्टी करने का,
अरे हमारी फैमिली में ना जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। धीरे धीरे करके अब उस चीज से हम इतना उबर चुके हैं कि अब बिना इसी का रहा नहीं जाता। बिना इसी की रहा नहीं जाता। आपने कमरे में कमरे में कितने एसी लगे हुए हैं? कमरे में हमारे एक एसी है जिसे पंखा कहते हैं। गाइस अभी अनूप ने फिर से कोमल पीछे बैठी हुई थी और खिड़की ऊपर कर दी है, लॉक कर दिया यहाँ से सिस्टम, लॉक कर दिया है यार कोमल को फिर से वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। आपसे मैं कभी नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ, ठीक है? उसको वापस उल्टी आ रही है। लाइव कैप्चर करेंगे इसकी वॉमिटिंग। अनूप कह रहा है कि कोमल की वॉमिटिंग का हमें लाइव कैप्चर करना है। दिन में अभी उसने इसके सर पे करूंगा। अरहर मलका की दाल खाई है, देखते हैं। सुबह रोटी, भिंडी, दाल, भात, वो सब खाते हैं। क्या निकलता है? क्या बोलना है उसको? खिड़की खोल। तस्मी यार मजाक अपनी जगह है। पहुंच चुके हैं यहां से अपनी जगह। खोल जल्दी खोल। खिड़की खोलने के बेटा एसी ऑन हो रखा कार में। हर जगह हमें ठंडा दिख रही है। खोली नहीं तो मेरे को अजीब सा लगता है, घुटन घुटन टाइप की हो रही है मुझे। गाइस लगता है आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है। दीदी कैमरा ऑन रख। कैमरा पे यहाँ पे इतने लड़के क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? व्हाई? ऐसा क्या हो रहा है गाइस? ऐसा क्या हो गया है यहाँ पे? और किस तरीके से यहाँ पे खून की लत पत की नीचे हो रखी है और कोई बाइक वाला ठुका हुआ है और क्या? खून नहीं है, हरे रंग का जूस गिरा हुआ है। गाइस अभी मैं शांति से बैठी हुई थी और इस अनूप ने मुझे बोला दीदी कुछ हो रहा है आगे जल्दी से कैप्चर करो, और मैंने कैप्चर करा और देखा तो वहाँ कह रहा पूरे खून हो रखा है रोड में। देखा तो वो हरे रंग का जूस था गाइस, यस पूरा जूस ही जूस रोड पे गिरा हुआ था और लोग इसीलिए वो देखने के लिए बाहर रुके थे। खोले देखते हैं हम एक आदमी कैसे तड़पता है। कैसे तड़पता है दी बोले यार उसको। हम एक ब्लॉग बनाते हैं जिसपे ये होगा कि उल्टी कैसे आती है आपको। तेरे ऊपर करूंगी मैं तब बोल उल्टी हाउ टू। ओह मम्मा स्टेप 1 हमको क्या होती है बोल यार इसको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है जब तक। हमारे पेट में दर्द होता है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम क्या यहां। स्टेप 3 क्या होता है कि पेट और गुर्दों के बीच लड़ाई हो जाती है शुरू। यार से फेफड़े ऐसे खुलने। यार से भी बोल यार इसको 50% सील। देखो गाइस एक मासूम सी लड़की को पेट आमाशय पित्त सबके बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती है। किसी इंसान की उल्टी होल्ड करने की लिमिट कितनी हो सकती है? हां वुड यू लाइक टू नो? ओ भाई 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 कॉल। ओ ये सो कॉल भाई। ओ कॉल भाई कॉल बे ओके। पता जब आपको ना बस में कहीं सीट नहीं मिलती पता क्या करना चाहिए? ड्रम करना चाहिए उल्टी का, एकदम उल्टी आ रही है ऐसे करो तो समथिंग उल्टी है तो सीट मिल जाएगी। जैसा भी मेरे साथ हो मैंने ड्रामा किया। ड्रामा नहीं था गाइस, आप देख सकते हैं आंखों के आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो आंखों में आंसू आए हैं इसके तुमने देख लिया? गाड़ी चलाते चलाते गाइस हम खड़े हैं एफआरआई के गेट पे, आप देख सकते हैं हमें अंदर जाना आज परमिट नहीं है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली बंद रहता है फिर। अच्छा विजिट करने आना है तो और किसी नेक्स्ट टाइम है। अच्छा पैदल पैदल घूमती ना गाड़ी? जब भी आप आए 9 से 5 के टाइम में आए, उसके बाद बिल्कुल ना आए 5 बजे के बाद, उससे पहले ना आए। ठीक है मैडम, थैंक यू। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं अब वापसी क्योंकि आज हम बड़े एक्साइटेड होके गए थे। देखा तो वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे, वो आज साफ मना कर रखा था। नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं सामने। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे निराश नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम आपको ज़रूर एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो गाइस मैं अपनी टीम के साथ आ गई हूँ परेड ग्राउंड में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है पूरा परेड ग्राउंड और यहाँ पर आज सुबह झंडा रोहण करा था हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। हेलो गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी परेड ग्राउंड में। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ सुबह मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर झंडा रोहण किया था। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस
यही है वो, और वो हमारा तिरंगा लहरा रहा है, आप देख सकते हैं। सुबह पुष्कर सिंह धामी जी ने झंडा रोहण करा, यहीं पर खड़े होकर नेशनल एंथम हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे करा होगा। गाइस देखिए, शाम का हम आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। मॉर्निंग में गाइस जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। जिंदगी एक सफर में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, FRI में हमें अलाउड नहीं था जाना, हालांकि हमने बहुत कोशिश करी अंदर जाने की, पर रूल सबके लिए एक बने हैं। तो फिर हम लोग यहाँ आए और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे अभी लाइव चल रहा है। क्यों ना हम यहाँ बैठ के इमेजिन करें कि लाइव ऑडियंस हमारे सामने है और हम यहाँ झंडा रोहण कर रहे हैं। आप माला भी देख सकते हैं, उसी वेशभूषा में हम दिख रहे हैं, यहाँ पर सेम वेशभूषा में, कोई चेंज नहीं, और कितने खुला होके अभी हमें कोई नहीं रोक रहा है। विदाउट पास हमने एंट्री करी है यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब परेड ग्राउंड से अपने घर की तरफ, और काफ़ी अच्छा लगा परेड ग्राउंड जाके, काफ़ी मज़ा आया और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो गाइस चलते हैं अब घर। तो गाइस आहना के नानू आ रखे हैं श्रीनगर से, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रखी है, और अभी हम पैसिफिक मॉल आ रखे हैं, एंड वो आहना अपने पापा और नानू के साथ गेम जोन में है, वो वहाँ फ़न कर रही है। तब तक एज लेडीज़ को शौक होता है शॉपिंग का, तो हमने सोचा मैं और मम्मी आए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने। मम्मी ने अपना सूट पहना है जो मम्मी दिल्ली से लाई थी, देखिए गाइस। ओके जो बने रहिए व्लॉग में हमारे साथ, खाते हैं आपको पैसिफिक का व्यू। गाइज हम आए हैं लाइफ स्टाइल, क्योंकि मम्मी को अपने लिए स्लिंग बैग ऑर्डर करना था। हमने कुटली स्लिंग बैग पसंद करा मम्मी के लिए, फिर उसके बाद हमको बहुत भूख लगी तो हम लोग फूड कोर्ट चले गए थे। फूड कोर्ट पे हमने ऑर्डर करा, हमने फटाफट अपना डिनर कंप्लीट करा। सो गाइज हम लोगों ने डिनर कर लिया है अभी फूड कोर्ट में, आप देख सकते हैं। एंड अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, रात के 10 o'clock हो चुके हैं अभी। एंड पापा श्रीनगर से लेट आए थे, तो फिर हम लोग पैसिफिक गए, पैसिफिक हम लोगों ने शॉपिंग करी, थोड़ा एक्सप्लोर करा, और अब हमने डिनर करके वापस घर जा रहे हैं। सो गाइस यही था आज का व्लॉग, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।